हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, हम किचन में भी कुछ ट्रिक्स लगाकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचार का मसाला। तो अचार के मसाले को हम पहले से रेडी करके रख लेंगे, और जब हमें अचार डालना हो तो हम इंस्टेंट अचार रेडी कर सकते हैं। तो उसका मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कलौंजी, सौंफ, अजवाइन, राई, जीरा, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल ली है काली मिर्च के दाने। तो अब इनको मैं रोस्ट कर लूँगी सबको इकट्ठे मैं रोस्ट कर लूँगी। कलौंजी को मैं बाद में ऐड करूँगी, अभी मैंने मेथी दाना भी ऐड नहीं किया। पहले इनको अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि इनमें मॉइस्चर ना रहे। तो अब देखिए, मैं बस इसको ज़्यादा रोस्टेड नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्टेड करना है, बस हमको इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। अगर हम इनको रोस्टेड नहीं करते हैं तो मसाला है जो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इनको रोस्टेड करना ज़रूरी होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें साथ में ऐड कर दिया है मेथी दाना, बस अब इनको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। बस रोस्ट करने के बाद इसको मैं एक प्लेट में डाल दूँगी और इसको फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है प्लेट पे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम इसको जल्दी से रोस्ट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला जो हमने रोस्ट किया है वो अच्छे से ठंडा हो गया। मैं इसमें ऐड कर दूंगी कलौंजी। कलौंजी को मैंने रोस्ट नहीं किया है, मैं भूल गई थी, लेकिन कलौंजी को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है रोस्ट करने की। अब बस ठंडा होने के बाद मैंने इसको मिक्सी में डालकर पीस लिया है। तो इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा रखना है, क्योंकि अचार में थोड़ा सा दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा अचार का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हो, और आप इसे अचारी, पराठा और सब्जी में भी इसको डाल सकते हो। आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हो। तो देखिए, इसमें मैंने कोई भी बेसिक मसाले यूज़ नहीं किए हैं, नमक मिर्च, और वो जब हम अचार डालेंगे तब हम इसमें जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो हम जब ही ऐड करेंगे। अब मैं डालूंगी फ्रेंड्स हरी मिर्च का अचार। तो मिर्चों को मैंने धोकर सुखा लिया है, और अब मैं इनकी डंडियां अलग कर लूंगी, क्योंकि डंडियां समेत अगर हम मिर्चें डालते हैं तो डंडियां जो होती हैं वो मिर्च को ख़राब, अचार को ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्च की सारी डंडियाँ अलग कर दी हैं, और अब मैं इसमें से कट लगा कर इनको बीच में से दो पार्ट कर लूँगी। दो पार्ट इसलिए ज़रूरी होते हैं, जो मसाला होता है वो अच्छे से पूरी मिर्चों पर लग जाता है। अब मैं ये इसी मसाले से आपको अचार रेडी करके दिखाती हूँ। अब मैंने पहले थोड़ा सा फ्राई पैन में तेल गरम कर लिया है, थोड़ा सा तेल गरम होने दूंगी, और ये मैंने देखिए सारी मिर्ची काट ली है, और अब मेरा तेल थोड़ा सा गरम हो गया है। ज़्यादा गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस गरम कर लो इसको। और जो ये मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दिया है, और जो ये हरी मिर्च जो मैंने काटी है, अब मैं इसको तेल में ऐड कर दूंगी। पहले मैं फ्राई पैन गैस से नीचे उतार लूंगी, और अब इसमें जो ये मेरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये सब मैं तेल में डाल दूंगी धीरे धीरे करके। और जब आप तेल में मिर्च को डालो तो थोड़ा सा अपना फेस दूर रखो, क्योंकि तेल गर्म होता है, जो ये मिर्च के बीज होते हैं ये चटक कर ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, अब जो हमने मसाला रेडी किया है इसको मैं ऐड कर दूंगी अचार में। ये देखिए, ये अचार का मसाला ऐसे मैं सारा इसमें डाल दूंगी, और ये मसाला आप स्टोर करके रख सकते हो, जब चाहे आप इस अचार डालो तब इसको ऐड कर लो। और देखिए, थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। अब इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं हमारा, नमक, मिर्च, हल्दी, और ये सब मैं ऐड कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इंस्टेंट मिर्च का अचार बन के रेडी हो गया। आप चाहे कोई भी अचार डाल सकते हो। तो बताइएगा आपको मेरा ये टिप कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास मूली रखी थी 4-5। तो रोज़ की रोज़ पराठे तो नहीं खाए जाते हैं, और मूली की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने मूली को कस लिया है, और कसने के बाद इसको एक कॉटन के कपड़े में रखकर इसका सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है। अब पानी बिल्कुल अच्छे से निकल गया।
अब मैं इसको एक बर्तन में पलट लूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। इस तरीके से यह ख़राब नहीं होता है जल्दी से और ना ही इसमें महक आती है। मूली जो होती है वो रखी रखी सूख जाती है, लेकिन इस तरीके से ये ख़राब नहीं होता है अगर हम इसको कद्दूकस करके फ्रिज में रख लेंगे। और अब हम इसको कभी भी हमारा मन करे हम इसके पराठे बना सकते हैं या फिर इसका सलाद बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं वॉश करूँगी रोटी के पौने जिसमें हम रोटियाँ रखते हैं। जब हम रोटियाँ या पराठे रखते हैं तो वो थोड़े चिकने से हो जाते हैं, उनमें चिकनाई सी लग जाती है जिससे उनमें महक आने लगती है। तो अगर हम ठंडे पानी से धोते हैं तो वो अच्छे से साफ़ भी नहीं होते हैं और काफ़ी टाइम भी ले लेते हैं। अगर हम इस तरीके से धोएंगे तो वो जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई बिन में पानी गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है और नींबू भी ऐड कर लेते हैं, बट अभी मेरे पास नींबू नहीं है तो मैंने नींबू ऐड नहीं किया है। नींबू भी चिकनाई को बहुत जल्दी से ख़त्म करता है। तो बस अब जो मेरे रोटी के पौने हैं, अभी मैंने एक में मूली भी निचोड़ी थी, मूली का पानी, तो एक वो भी मेरा पौना है, तो इनको मैं अब गर्म पानी में डिप कर दूंगी, यानी भिगो दूंगी। यानी अब मैं इसको भिगो दूंगी, इसमें मैंने नमक डाल रखा है। अब इसको मैं एक बॉयल आने तक इसको उबलने दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पानी उबलने लगा है। अब मैं इसको किस बेलन से, मैंने इसको थोड़ा सा और डिप कर दिया है और गैस मैंने कर दिया है बंद। और बस अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सर्फ़ और थोड़ी देर इसको भिगो के रख दूंगी। इस सर्फ़ डालने से क्या होगा, जो इसकी मैल होगी थोड़ी बहुत, जो इसकी चिकनाई होगी वो आराम से कट जाएगी। तो अब मैं इसको बस ऐसे ही डिप करके इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं अपने बर्तन धो लूँगी और जब तक पानी भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हमारे जो पौने हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इस टिप से फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम और मेहनत दोनों कम लगती है और बिल्कुल अच्छे से हमारे जो पौने हैं वो क्लीन भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मेरा पानी ठंडा हो गया है, उससे पहले मैंने बर्तन धो लिए हैं। और जब तक मेरा पानी बिल्कुल ठंडा हो गया था, अब मैं जो पौने हैं उनको साबुन लगाकर धो लूँगी और जो मेरे डस्टिंग के कपड़े हैं किचन के, अब वो जो गर्म पानी बचा था उसमें ही मैंने वो भिगो कर रख दिए। जब इस तरह से हमारे एक पंथ दो काज हो गए, एक तो हमारे पौने धुल गए हैं, ऊपर से जो हमारे डस्टिंग के कपड़े हैं वो भी हमारे उस गर्म पानी में साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे टिप एंड ट्रिक्स कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।